हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, जिसके अंदर आप जानेंगे नाउन और नाउन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नाउन और नाउन्स के अंदर कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन के बारे में, इसके साथ साथ आप जानेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन्स के बारे में। जब ये सारे टाइप्स को हम देखेंगे तो अवस्टिक नाउन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज को भी हम देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अवस्टिक नाउन, किस तरीके से हम अवस्टिक नाउन का फॉर्मेशन करते हैं उनको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, कंप्लीट टेबल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, नाउन और नाउन्स होते क्या। देखिए, नाउन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा कि नाउन का एक सिंपल सा मतलब होता है जिसके अंदर किसी पर्सन का नाम हो, एनिमल का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, राइट। यानी कि ये एक डेफिनेशन है, आप कह सकते हैं, जिसको वॉरेन और मार्टिन ने दिया था कि अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। आप सिंपल सा कह सकते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम है वो एक नाउन है, राइट। और जो नाउन है वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं इन चीजों को कि किस तरीके से वो जो हमारा नाउन है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, राइट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको टच किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे टच नहीं किया जा सकता है। यानी कि कुछ मटेरियल बॉडीज होती हैं और कुछ हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे थॉट्स होते हैं। तो इनके बेसिस पे नाउन का कुछ डिवीजन किया गया है जिनको मैं बताने वाला हूँ। इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली वो चीजें जो मटेरियल बॉडीज हैं, सच थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंग्स, जिसे कुछ लोग कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसके अंदर कोई भी मटेरियल बॉडीज नहीं है, यानी कि जिन्हें हम बिल्कुल जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, राइट। तो कुछ लोग इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा कॉन्क्रीट, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, राइट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस ये जो दो मेन क्लासेस हैं, ये नाउन की दो मेन क्लासेस हैं, पहली कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारा होता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, हमने देखा कि कॉन्क्रीट वो चीज़ जैसे एप्पल, एप्पल को आप टच कर सकते हैं, कोई ट्री इसको आप टच कर सकते हैं, कोई बुक इसे आप टच कर सकते हैं, ये एक कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक बॉडीज का पार्ट है। अवस्टिक नाउन में हमारी फीलिंग्स होते हैं, जैसे लव, पीस, कोई आइडिया, राइट, जिसे टच नहीं किया जा सकता, केवल फीलिंग्स होती है, हमारी थॉट्स प्रोसेस होती है, राइट। अब जो ये कॉन्क्रीट नाउन्स हैं इनकी कुछ कैटेगरीज हमने डिवाइड कर रखी है, वो कौन सी कैटेगरीज है जिनको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉपर नाउन, फिर हम देखेंगे कॉमन नाउन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो आपने देखा कि नाउन क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम हो वो नाउन कहलाता है। आपने देखा कि नाउन की जो दो कैटेगरी है, जिसको कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जो कंक्रीट नाउन है, इसके ये टाइप्स हमारे सामने आ चुके हैं, इन टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए, प्रॉपर नाउन इसकी मीनिंग से ही आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, किसी भी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी भी थिंग्स का। व्हेन यू राइट अ प्रॉपर नाउन, याद रखिए, रिमेंबर टू बिगिन इट विथ अ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जो प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन का सिंपल सा मतलब है किसी चीज का नाम हो सकता है। देखिए, कुछ मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं ताकि प्रॉपर नाउन के बारे में जो आपका आइडिया है बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नाम लिया पुष्पेंद्र, राइट, ये एक नेम है। मैंने लिया इंदिरा गांधी, ये भी एक नेम है, एक लीडर का नाम है। मैंने बोला दिल्ली, एक सिटी का नाम है। मैंने बोला औरंगाबाद, ये विलेज टाउन का नाम हो सकता है। मैंने बोला राजफोर्ट, राइट, ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसका हम नाम ले रहे हैं, यानी प्रॉपर हम नाम ले रहे हैं, राइट। इसी तरीके से कुछ और चीजों के बारे में बात करें, जैसे ताज एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है, पुष्पक एरोप्लेन का नाम है, राइट, हरियाणा रोडवेज, ये बसेस के नाम है कि हरियाणा रोडवेज की बसेस हैं। एक प्रॉपर हम नाम ले रहे हैं। अगर मैं केवल बसेस बोलूं तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। अगर मैं केवल ट्रेन के बारे में बात करूं, एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूं, तो वो कॉमन नाउन होगा। अभी हम आगे हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। जैसे हमने बोला विक्रांत, ये एक शिप का नाम है, ड्यूटी रोड। इसी तरीके से अशोका, एक किंग थे, एलिजाबेथ क्वीन है,
बिहार एक स्टेट का नाम है, इंदिरा कंट्री का नाम है, राइट, इंडिया कंट्री का नाम है, राइट, इंडियन ओशन ओशन का नाम है हमारा, राइट, इसी तरीके से गंगा रिवर का नाम है। तो आपने देखा जैसे भाखड़ा नंडल ये डैम का नाम है, हावड़ा ब्रिज ब्रिज का नाम है, राइट, इसी तरीके से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, पोस्ट है, पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पोस्ट होती है। किसी रिलीजन का नाम ले जैसे हिंदू, तो ये रिलीजन का नाम हो गया, जैसे डे हो गया संडे, संडे भी क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है, प्रॉपर हम बता रहे हैं कि संडे मंडे, राइट। इसी तरीके से जैसे मार्च मंथ का नेम हो गया, जैसे कि कोई बुक हो गई, जैसे कि इंग्लिश लिटर हो गई, रामायण हो गई, दिवाली हो गया, फेस्टिवल हो गया हमारा, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, वो आती हैं हमारी प्रॉपर नाउन के अंदर। देखिए प्रॉपर नाउन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, आप केवल इन एग्जाम्पल्स को इमेजिन करिए कि किसी भी चीज का अगर पर्टिकुलर नाम अगर हम ले रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन होगा, डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, देखिए अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, किसी प्लेस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, बट एज कॉमन टू ऑल पर्सन, लेकिन सबके लिए वो कॉमन होती है। थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, कोई सेम क्लास होती है वहां पे हम यूज करते हैं, या फिर उस क्लास की कोई काइंड होती है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला फेस्टिवल, अब फेस्टिवल में हमारी दिवाली भी आती है, होली भी आता है, रक्षाबंधन भी आता है, तो अगर मैंने केवल फेस्टिवल्स के बारे में बात करी तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरीज में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं वहां पे बता रहा हूँ कि ये हम बात कर रहे हैं दिवाली के बारे में, पर्टिकुलर मैंने उसका नाम ले लिया, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। चलिए कुछ पर्सन की अगर हम मैं बात करूं, पर्सन्स, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। मैंने उस पर्सन का नाम लिए नहीं लिया, उस बॉय का नाम नहीं लिया, उस गर्ल का नाम नहीं लिया, उस मैन का नाम नहीं लिया, वुमेन का नाम नहीं लिया, टीचर, जैसे आई एम अ टीचर, लेकिन मैं अगर मैं अपना नाम ले रहा हूँ कि राहुल, राइट, मेरा नाम राहुल है, राहुल मैंने अगर बोला तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ मैं, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं केवल टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो कॉमन नाउन होगा, डॉक्टर प्रोफेशन है कॉमन नाउन, प्यून की प्रोफेशन है, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं एनिमल्स जैसे कि डॉग कैट, और लेकिन अगर आपने अपने डॉग का कुछ नाम रखा है, कैट का कुछ नाम रखा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन नाउन के अंदर आएगी, एनिमल्स के अंदर आती है। प्लेस जैसे विलेज, विलेज का नाम नहीं ले रहे हैं, केवल विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, सिटी के बारे में अगर बात करें, टाउन के बारे में बात करें, स्टेट के बारे में बात करें, जैसे मैं अगर स्टेट का नाम लूँ मध्य प्रदेश, राइट, सो मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट है, राइट, लेकिन मध्य प्रदेश मैंने नाम ले लिया, केवल स्टेट बोलूं तो कॉमन नाउन, मध्य प्रदेश बोलूं तो प्रॉपर नाउन, कंट्री बोलूं तो कॉमन नाउन, इंडिया बोलूं तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा, कंट्री बोलूं तो कॉमन नाउन होगा। इस तरह से स्कूल से रिलेटेड आप चीज़ों को देख सकते हैं, पार्क, जू, एक्सेट्रा। कुछ थिंग्स भी कॉमन नाउन के अंदर हो सकते हैं, जैसे पेन हो गया, जैसे मैंने बोला पेन, राइट, सो पेन क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा, लेकिन मैंने बोला कि रोटोमैक्स का पेन है, या फिर ये हमारा जो पेन है इस कंपनी का पेन है, कंपनी का प्रॉपर नाम ले रहा हूँ मैं कि गुडलक का पेन है, तो वो क्या होगा, थिंग्स के अंदर आएंगी चीज़ें, बुक्स, राइट, तो बुक्स बोला तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आएगा कॉमन नाउन। लेकिन मैंने बोला तिवारी एकेडमिक की बुक, तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, वो थिंग, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी वो चीज़ें। इसी तरीके से बेड, नीडल्स, टेबल, स्पून, बैट, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन के अंदर आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। अभी कलेक्टिव नाउन होता क्या है, बहुत सिंपल है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन और पर्सन, एनिमल और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। सारी चीजों का एक कलेक्शन होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए पर्सन का कलेक्शन में किस तरीके से, जैसे आर्मी, आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उसे हम कहते हैं ये हमारे इंडियन आर्मी है, राइट। अगर क्लासेस मैंने बोला, क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें हर एक बच्चे का अगर पर्टिकुलर अगर मैं नाम लूँ तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा कंप्लीटली प्रॉपर नाउन। अगर मैं किसी बच्चे का नाम लूँ तो प्रॉपर नाउन, अगर मैं बोलूँ कि सेक्शन ए सेक्शन बी, वो क्या होगा, एक कॉमन कैटेगरी हो गई, वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा। लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट होल क्लास, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा, उसमें सारी क्लासेस आ जाएंगी, सारे सेक्शन आ जाएंगे, सारे बच्चे आ जाएंगे। टीम, टीम ये क्या है, जैसे इंडिया टीम के बारे में बात हुई, इंडिया अगर नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया, एक कंप्लीट 11 प्लेयर्स को हम क्या बोल रहे हैं, हमारी टीम है। पार्टी,
ये कलेक्शन हो गया, मोब भीड़ हो गया, भीड़ जहाँ होती है उसको हम मोब कहते हैं, क्राउड, इसको भी हम एक कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के कलेक्शंस को हम बोलते हैं, जैसे हेड का मतलब होता है झुंड, राइट, और फ्लॉक का मतलब भी झुंड ही होता है जिसमें ग्रुप होते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे बंच, हीप, डजन, डजन में क्या होता है, कोई भी 12 चीज़ें होती हैं, 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स, राइट, स्कोर, राइट, बंडल्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आती हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत ध्यान से देखना उस चीज़ को, कि जो कलेक्टिव नाउन है इसको हम सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के अंदर रखते हैं, ये सिंगुलर होता है। आर्मी की बात करें तो ये आर्मी सिंगुलर की तरह ट्रीट होती है, कलेक्टिव नाउन में कोई भी चीज़, टीम, एक सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, मटेरियल नाउन इट मीन्स मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे कुछ चीज़ें बनती है, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती है, प्लास्टिक्स के कप्स बनते हैं, प्लास्टिक्स की बोतलें बनती हैं, प्लास्टिक्स के बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे ग्लास, ग्लास किससे बनता है, सैंड से बनता है। इसी तरीके से पेपर, पेपर किससे बनता है, बम्बू के पेड़ से बनता है, रबर, ये क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हैं उससे, वाटर, वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनती है, आइस बनता है, और इसको हम कुछ और पार्ट में भी चेंज कर देते हैं, मिल्क से अलग बन चीज़ें बनती है, बटर निकलता है, पनीर बनता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऑयल, घी, आइस, शुगर, ब्रेड, व्हीट, राइट, चीना, राइट, लेदर, क्ले, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, कॉटन, वुल, नेलोन, एक्सेट्रा, किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ बनता है। जैसे वुड की बात करें, वुड से क्या बनता है, हमारे फर्नीचर के सामान बनते हैं, हमारे डोर्स बनते हैं, हमारे विंडोज़ बनते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। ऐसी चीज़ जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप ऐसा समझो, सिंपल, ऐसी चीज़ें जिसे मैटर सब्सटेंस विच अदर थिंग्स आर मेड, जिसे दूसरी चीज़ें बनती हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी, अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, समझिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, हमारी क्वालिटी होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट, क्वालिटी, एक्शन और फीलिंग और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच और सी, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, कोई आइडिया, कोई एक्शन, कोई क्वालिटी, कोई स्टेट, उस उन चीज़ों को हम कहते हैं एबस्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर होंगी जिसको मैं एक नोट्स के थ्रू आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से इसे नोट डाउन भी करिए अपने साथ, ताकि चीज़ें आपके सामने और बेटर तरीके से क्लियर हो सकें। देखिए अगर मैंने बोला कि जो एबस्ट्रैक्ट नाउन है वो कहीं ना कहीं वो आर्ट्स के नेम को इंक्लूड करता है, उस सब्जेक्ट्स को, उस फीचर्स को इंक्लूड करता है, जैसे जैसे मैंने बोला लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, तो जो एक्शन है ना लाफिंग का, वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बोला गॉडनेस बेस्ड इन द लॉन्ग टर्म ट्रॉन, ये क्या है, एक बीइंग गुड की क्वालिटी को बता रहा है। चाइल्डहुड इज द रोजी पीरियड ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड जो होता है ना बहुत ही प्यारा पीरियड होता है हमारी लाइफ का। तो चाइल्डहुड क्या है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, किसी चीज का होना उस चीज में। रियल हैप्पीनेस इज रेयर इन द वर्ल्ड, जो एक्चुअल हैप्पीनेस है ना वो क्या है, फीलिंग्स बता रहे हैं यहाँ पे, फीलिंग्स हो गया, स्टेट हो गया, क्वालिटी हो गया, एक्शन, यही चीज़ें तो हैं जिसमें हम कुछ नाम्स के साथ उसको हम पुकारते हैं, राइट। अब जैसे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ब्यूटी चीज़ों को कोई भी ऑर्नामेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो ऑर्नामेंट के बारे में मीनिंग नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए ऑर्नामेंट का बहुत एक सिंपल सा मीनिंग होता है, ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, आपके जेवर, उनको हम कहते हैं, ब्यूटी के लिए कोई जरूरत नहीं है। पुष्पेंद्र इज वेल अप इन इंग्लिश, ये क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट को हम बता रहे हैं यहाँ पे कि वेल अप है इंग्लिश के लिए। म्यूजिक एंड पेंटिंग आर द फाइन आर्ट, वो क्या है, अच्छी आर्ट है म्यूजिक और पेंटिंग। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है कंप्लीटली नाउन के बारे में, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव
कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कंप्लीटली इवन कि कॉन्क्रीट नाउन के बारे में भी डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो एक अलग ही पार्ट है, उनको भी डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस को करने की, ताकि आपके माइंड के अंदर और क्लैरिटी आ सके। देखिए यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं जिसे आप हमें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको इनके अंदर हम आपको ये बताना है कि ये कौन, इनमें से कौन सा नाउन है पहले तो ये बताना है, और उस नाउन के टाइप्स को बताना है कि वो किस नाउन के अंदर आता है, और इसके साथ साथ आपको बताना है कि वो और जो नाउन है उसको अपने सेंटेंसेस भी आपको बनाने हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक पहला सेंटेंस है, इसके अंदर जो नाउन है वो कॉफ़ी है, राइट? क्या है? कॉफ़ी है। अब ये कॉफ़ी किस कैटेगरी के अंदर आएगा, नाउन के कौन से पार्ट के अंदर आएगा? वो आएगा मटेरियल नाउन के अंदर। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, देयर इज अ लॉ एरोप्लेन कमिंग इन द स्काई। आपको बताना है कि इनके अंदर कौन कौन से नाउन हमको सर्कल आउट करना है। सबसे पहला काम सर्कल आउट करना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एरोप्लेन एक नाउन है, स्काई जो है वो भी एक नाउन है। अब ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे नाउन की, ये आपको बताना है साथ में। ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, देखिए आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, आप ईमानदारी से कमेंट में आंसर भी देना, कॉमन नाउन के अंदर ही आएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। आप सॉल्व करिए इस थर्ड क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर, राइट? अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसके अंदर जो वाटर है वो क्या है, वो नाउन है। कौन से नाउन के अंदर आएगा? मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देख लिया आपने। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पीस बी विथ यू, जो पीस वर्ड है ना वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, हर हेयर इज ग्रेइंग विथ एज, इसमें जो हेयर है वो क्या है, वो है आपका कॉमन नाउन। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कि लाफ्टर टिकट्स यू इनसाइड आउट। लाफ्टर जो वर्ड है वो अवस्टिक नाउन है। सेवेंथ क्वेश्चन, द जज स्पोक विद द ग्रेट प्राइड, द जज, ये है आपका कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपका प्राइड आएगा, राइट? ये जो प्राइड वर्ड है ना, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं इसके यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएं कि जो प्राइड वर्ड है, जो प्राइड वर्ड है वो भी क्या है, वो है आपका एक कंप्लीट, जिसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो प्राइड वर्ड है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? जो जज है वो कॉमन नाउन है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि सोलोमन वाज अ वाइज किंग, जो किंग वर्ड है वो क्या है, कॉमन नाउन है। जो वाइज है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। इसी तरीके से आई ट्रस्ट हिज ऑनेस्टी, तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर आएगी। अब जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सारे वर्ड्स से रिलेटेड हम बनाने वाले हैं कुछ अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस। और इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपने देखे थे, जैसे कि ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, इसमें भी आपने देखे थे कि ये जो सर्कल किए हुए जितने भी नाउन से आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, राइट? और इन एग्जांपल्स को भी आपने देखा था अच्छी तरीके से, जिसमें कि हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और इनके टाइप्स को भी बताया था कि किस टाइप के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इस अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए सेंटेंसेस के बारे में, कि कैसे आप सेंटेंसेस और बना सकते हैं जो नाउन के ऊपर बेस्ड हैं, जो हमने एक्सरसाइज करी उसी से, ताकि चीज़ें और क्लैरिटी के साथ आप समझ पाएं। देखिए कॉफ़ी वर्ड था हमारा, इज कॉफ़ी गुड फॉर योर हेल्थ, सिंपल बोल सकते हैं, क्या कॉफ़ी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है? एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग ओवर द स्काई, इस तरीके से आप तीसरे सेंटेंस में बना सकते हैं कि वाटर जो है मोस्ट कॉमन लिक्विड ऑन द अर्थ, वाटर इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड ऑन द अर्थ। आप अपने अकॉर्डिंग और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि पीस, दे वांट पीस, उन्हें शांति चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अफगान में जो मुद्दा चल रहा है वो, वहाँ पे पीस की ज़रूरत है लोगों को, दे वांट पीस। इसी तरीके से कैन यू टाई योर हेयर, क्या अपने आप बालों को बांध सकती हैं? तो ये हुआ हमारा फिफ्थ सेंटेंस जिसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लाफ्टर भी एक वर्ड आया था हमारा, हम कह सकते हैं कि लाफ्टर फिल्ड द रूम, राइट? हंसी से पूरा जो रूम था वो ठहाकों से पूरा बिल्कुल फिल हो गया। सो सेवन्थ क्वेश्चन में आपने देखा था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं प्राइड वर्ड आया था हमारा, जज वर्ड आया था, राइट? इसको मैंने कलर्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। जैसे कि प्राइड वो एक वर्ड आया था, राइट?
प्राइड वर्ड आया था, जज वर्ड आया था, हमने देखा था। तो आप कह सकते हैं कि वी शुड टेक प्राइड इन आवर कल्चर, आपको हमें अपने कल्चर पे प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, एंड डोंट जज एनी वन, किसी को जज नहीं करना है, राइट। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से ही वॉज अ गुड किंग, वो एक अच्छा किंग था। हेल्थ इज अ रियल वेल्थ फॉर अस, हेल्थ और वेल्थ दोनों वर्ड का यूज करके एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने यहाँ पे क्या प्यारा सा सेंटेंस बनाया है। इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं ऑनेस्टी से रिलेटेड, की ऑनेस्टी गिव अस अ पॉजिटिव ओपिनियन ऑन लाइफ। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके अंदर एक्सरसाइजेस को हमने देखा, और हमने देखा कि कौन से नाउन्स हैं और उन नाउन्स के बेसिस पे हमने बनाए अपने खुद के सेंटेंसेस। अब हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, टेबल्स के अकॉर्डिंग मैं आप चीज़ों को समझाने वाला हूँ। जैसे पहली चीज़ तो जो वर्ब का फॉर्म होता है ना, उसके फॉर्मेट में भी वो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है। ज़्यादातर नाउन वर्ब और एडजेक्टिव्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम वर्ब के बारे में बात करेंगे किस तरीके से होता है। देखिए अगर वर्ब की बात करें, देखिए एक हमने वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की दो कैटेगरीज हमने बनाई। जैसे यहाँ पे देखिए कि अप्लाई का हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एप्लीकेशन, राइट। आपने देखा कि आप कहते हैं ना कि आप एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करो, फिर हम देखेंगे कि आपको लीव देनी है या नहीं देनी है। तो वहाँ पे अप्लाई जो वर्ड है वो वर्ब है, लेकिन इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है वो एप्लीकेशन से अट्रैक्ट, और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से एडमिशन जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एडवाइस और एडवाइस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अराइव, अराइवल, एग्री, एग्रीमेंट, जो एग्री एक वर्ब है लेकिन एग्रीमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। इस तरीके से बिलीफ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेक, ब्रिज। इस तरीके से बिंड, बॉन्ड, ब्यूरी, ब्यूरियल, कैरी, कैरीज, चूज, चॉइस, ये जो जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, डू, डिड, डाइड, डेथ, डिशीव, डिसेप्शन, डिस्ट्रॉय, डिडक्शंस, डिसाइड, डिसीजंस, डिपार्ट, डिपार्चर, डिस्कवर, डिस्कवरी, एजुकेट, एजुकेशन, एजुकेट वर्ब है, एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्री वर्ब है, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्लो वर्ब है, फ्लॉट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गिव एक हमारा वर्ब है लेकिन गिफ्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गो वर्ब है लेकिन गेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गॉन, ग्रो, ग्रोथ, हील, हेल्थ, hat, hatred, invent, invention, injury, invite, invitation, invent, invention, life, life, ये जितने भी words आपको मैंने बताए, laugh, laughter, laugh क्या है verb, laughter abstract noun है, lose ये हमारा verb हुआ, loss abstract noun है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से verb के format में हम change करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो adjective के through चीज़ों को हम change करते हैं, ताकि मैं आपको और चीज़ें बता दूं ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएं, राइट। अभी आप किस तरीके से समझने वाले हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे ओबीडियंट है तो ओबीडियंस हो जाएगा, पुअर का पॉवर्टी हो जाएगा, रैस का रसेस हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। लॉयल का लॉयलिटी, न्यू का न्यूनेस, जैसे ट्रू है तो ट्रूथ हो जाएगा, वाइड का विजडम हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि अब पहले हमने वर्ब के फॉर्म में देखा कि किस तरीके से वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ एडजेक्टिव्स के थ्रू। देखिए एडजेक्टिव्स यहाँ पे देखिए, जैसे एब्सेंट है, एक्टिव है, वीजी है, क्रूयल है, क्रूल है, क्रूयल है, सडन है, डीप है, फेयर है, फॉल्स है, हार्ड है, होली है, लॉन्ग, मैरी, मोइस्ट, इन सबको देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। एब्सेंट है तो एब्सेंस हो गया, एक्टिव है एक्टिविटी हो गया, बिजी है तो बिजीनेस, ब्रेव है तो ब्रेवरी। इस तरीके के सारे वर्ड्स हमारे कन्वर्ट होते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। इस तरीके से एबल है तो एबिलिटी हो जाएगा, चीप है, चीप है, चीपनेस हो जाएगा, डियर है तो डियरेस्ट हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वलिटी हो जाएगा, फास्ट है तो फास्टेस्ट, फास्टनेस हो जाएगा। इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ कॉमन नाउन्स हैं, वो भी हमारे जो होते हैं कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड एक्ट का एक्टिंग हो जाएगा, बेगर का बेगरी हो जाएगा, चाइल्ड का चाइल्डहुड हो जाएगा, क्राउड का क्राउडनेस हो जाएगा, डेविल का डिलीवरी हो जाएगा, किंग का किंगशिप हो जाएगा, जैसे मैन का मैनहुड हो गया, हीरो का हीरोइज्म हो गया, कारपेंटर का कारपेंट्री हो गया, बॉय का बॉयहुड हो गया, एजेंट का एजेंसी हो गया, यूज का यूजेस हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कॉमन वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं जो कि कॉमन नाउन्स से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर था आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत क्लियरली तरीके से समझ आई होंगी।
अगर आपको लगता है कि फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।